गूज़बम्स आ रहे मेरे तो। मतलब यार ये तो बहुत ही कमाल वाली चीज़ है यार, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगाया यार ये। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एम ब्रोज रिएक्शंस। गाइज आज हम रिएक्ट करने वाले हैं चाहत, एक शॉर्ट फिल्म है। इसमें लीड एक्टर्स हैं इमरान अब्बास एंड हिबा बुखारी, और ये जो है सी प्राइम की शॉर्ट फिल्म है। सी प्राइम को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी कमाल कमाल की इनकी शॉर्ट फिल्म्स होती है। हमने इनकी दो शॉर्ट फिल्म्स देखी है, एक थी असैब एंड एक थी अजनबी, दोनों ही कमाल की लगी थी हमें। दोनों ही हॉरर थी। हाँ दोनों ही हॉरर टाइप की थी, बस सस्पेंस बहुत शानदार थी, सस्पेंस बहुत शानदार थे। सो गाइज हम पहले इसे देख लेते हैं, आगे डिस्कशन करेंगे। सो हियर वी गो। फुल सी प्राइम ओरिजिनल। What a scene. समीन नावीद कब्रिस्तान। कोई अभी अभी कब्र पे अगर होती लगा रही है। चले किसकी कब्र है भाई, कुछ भी हो सकता है भाई। इमरान अब्बास हिबा बुखारी चले। सब मेरी ही गलती थी फिजा, जो होना था हो गया। नहीं होना चाहिए था। तुमने जानबूझ के तो नहीं किया ना एक्सीडेंट? अच्छा इन्होंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया। लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है तनवीर अहमद, और एहसास हुआ भी कब, जब सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया भी गलती से। कब्रिस्तान में एक शख्स कह रहा था कि कब्र को पक्का नहीं करवाना चाहिए। मेरे ख्याल है ठीक ही कह रहा था। फिर क्या करूं? मेरे ख्याल है करवा दो। तुम्हें पता है ना हमारे कब्रिस्तानों में क्या होता है, पुरानी कब्र में नए मुर्दे डाल के चले जाते हैं लोग। और मार्बल? मेरे ख्याल में मार्बल लगाने से बेहतर है कि इंसान किसी गरीब की मदद करते, तो वही सवाब रूह को पहुंच जाएगा। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस आइडिया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों काम हम साथ साथ कर सकते हैं? यानी गरीबों की मदद भी कर सकते हैं और कब्र पे मार्बल भी। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? कल हमजद भाई से कह के मार्बल का काम भी करवा लूँगी। जबरदस्त, ऐसा ही होना चाहिए। फिजा, क्या हो गया? दिल ही नहीं कर रहा चाय पीने का। जानता हूं अपने हाथ से जो बनाई है। अभी तक पैकिंग भी नहीं हुई और मेरा जरा बराबर दिल नहीं कर रहा जाने का। और तुम जानती हो ना कि मैं नहीं जा सकता, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें जाना चाहिए। ये तो सरासर चीटिंग हुई। जब जाना ही नहीं था तो वीजा क्यों लगवाया? चीटिंग नहीं है, इल्जाम है, सरासर बोहतान है मिलोर्ड। फिजा क्या हो गया यार, मुंह तो ठीक करो। फिजा इनके नेक पर क्या हो गया? हाँ यार कुछ। अब वो रियल में हुआ है मूवी के लिए ये भी पता नहीं है। निशान होगा, निशान रियल होगा मुझे लगता है। कितनी सर्दी है ना। मुझे सर्दी बहुत अच्छी लगती है। और क्या अच्छा लगता है? और तुम्हारे पर मेरी ये जैकेट और
लकड़ियों में से निकलती हुई धीमी धीमी आग, हल्की हल्की ओस और ये मूंगफली रोमांटिक तरीके से बोला और मूंगफली मुड़ की भेड़ो यार तुम जानती हो मुझे क्या पसंद है? नहीं। अच्छा मेरे मुंह से सुनना चाहती हो ना तो सुनो। मुझे सबसे ज्यादा तुम पसंद हो और तुम्हारा ये साथ इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो शेर सुना है, इससे एक पल की रिफाकत को भी गरिमा जान, इससे एक पल की रिफाकत को भी। आप जानते हैं कि जब आप गा के सुनाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। अरे अर्ज किया है इरशाद इसे एक पल की रिफाकत को भी गनीमत जान, इसे एक पल की रिफाकत को भी गनीमत जान, तमाम उम्र तेरे साथ हम रहेंगे नहीं। क्या हुआ? जो मैं सोच रहा हूँ वो तो हुआ। मुझे भी वही लग रहा। बहुत बुरी गई है। पर अभी नहीं बोलना। मैं सोच भी नहीं सकती कि आप मुझसे कभी दूर जाएंगे। फिजा तुमसे दूर जाने का तो सफर भी नहीं कर सकता यार, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। वादा करें। वादा। मेरी रूह कांप उठती है जब मैं सोचता हूं कि मैं तुमसे कभी अलग होऊंगा। I love you. I can never leave you, Fiza. I promise. आखिर जा ही क्यों रही हूं? कब तक इसी तरह सोग मनाती रहोगी? हाँ जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता अपनी डगर पे लाने की कोशिश करो यार। अब क्या रह गया है जिंदगी में? लेकिन मरने वालों के साथ मरा थोड़ी जा सकता है। अगर जिया भी नहीं जाता कोशिश तो की जा सकती है ना। अच्छा इतना मत सोचा करो, नई जगह नई जिंदगी, तुम्हारा दिल बहल जाएगा तुम देखना। आई प्रॉमिस। सारी गलती मेरी थी। कम ऑन, खुद साथ गिल्ट ट्रिप से निकालो अपने आप को। जो होना था सो हो गया, लाइफ गोज ऑन। लाइफ जब तक इस घर में खुद कोई काम ना करो कुछ नहीं होता। बाजी वो कब्रिस्तान से गौर करने किसी को भिजवाए हैं। क्या कह रहा है? वो कब्र पक्की हो गई है। और मार्बल? जी पूरी कब्र मार्बल की बन गई है और खुतबा भी आपके कहने के मुताबिक लग गए हैं। अब क्या कह रहा है? वो अपने बकाया पैसे मांग रहा है। ठीक है तो उसे कह दो कि कल जब हम कब्र देखने आएंगे तभी दे देंगे। ओके ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। I really appreciate. मैं आपको बता चुकी हूं कि क्या हुआ था और मैंने पूरी तवज्जो से आपकी सारी बात सुनी है। मौत को कबूल करना कुछ मुश्किल काम है। क्या रूह से मुलाकात
यह बात हो सकती है? मुलाकात या बातचीत का कोई सबूत तो नहीं, शायद ऐसा हो। सुनो चंदन थे नहीं? पठान। शायद ऐसा ना हो। और अगर कोई ये दावा करे कि उसे रूह नजर आती है तो? इमेजिनेशन बहुत ताकतवर चीज होती है। क्या ऐसा हकीकत में मुमकिन नहीं? मैंने अब सर्च किया ना, इसके बारे में कोई सबूत नहीं। बात दरअसल ये है कि रूहानियत की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके बारे में हम सब लाइल्म हैं। बहुत दफ़ा हमारी इमेजिनेशन बहुत से इल्यूजन्स को रियलिटी का रूप दे देती है। इमेजिनेशन वक्ती वजह भी हो सकती है। हो सकता है आप हकीकत को कबूल ना कर पा रही हों। मैंने सुना है कि रूहें बार बार अपने घर आती हैं। अब रूह अपने घर 3 दिन आती है, 40 दिन आती है, या 40 साल तक अपने घर वालों के लिए कंसर्न रहती है, ये सब अंदाजे हैं, कोई सबूत नहीं इसका। हो सकता है ऐसा होता हो सकता है ऐसा ना होता हो। इन सब सवालों के सही जवाब तो मरने के बाद ही मिल सकते हैं। तो फिर किसी रूह की मौजूदगी का एहसास? गम की शिद्दत से मौत को कबूल ना करना। अगर जब गलती मेरी थी तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। गलती तुम्हारी नहीं थी फिजा, एक ही बात तुम बार बार क्यों करती हो? नफ्सियात में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। यह भी एंग्जाइटी की किस्म है, जैसे कि आपने भी खुद कहा, गलती मेरी थी। फिर तो ये सर्वाइवर्स गिल्ट हुआ ना। लेकिन गलती मेरी ही थी। आपका मसला जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि हकीकत को कबूल नहीं कर पा रही। जब आप कबूल कर लेंगी आपको सुकून आ जाएगा। कब्रिस्तान जा रही, शायद देख लेंगे। कब्र कैसी है? वहीं पता चलेगा कौन है जो कब्र में है। जो मेरा डाउट किया ये बहुत नाम सुना इसका। पाकिस्तान में भी चल रही है ये कार बहुत। ये तुम्हारी तवक्को से भी ज्यादा अच्छी बन गई। सब बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनके मग़फ़िरत फरमाए। चलें। जी मैडम। आज जो शक था वो सही निकला। फर्स्ट सीन से लग रहा था जी। गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे तो। मतलब यार ये तो बहुत ही कमाल वाली चीज है यार। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट लगाया यार ये। काफी कमाल का कॉन्सेप्ट था। कौन-कौन अभी भी नहीं समझा। मुझे लगता है सब समझ गए होंगे क्योंकि अच्छा, थोड़ा मैं सा सच बताऊं ना, काफी इन्होंने प्रूफ दे दिए थे। हाँ, काफी मतलब बार-बार वो हिंट दिए जा रहे थे। सबसे स्टार्टिंग में ही मुझे तो ऐसा ही लगा था क्योंकि स्टार्टिंग में कार में बैठने वाला सीन हुआ था ना। हाँ, तब ही क्लियर। मुझे तो स्टार्टिंग में जब वो कब्र के पास बैठी थी ना और फिर पीछे से वो आया अचानक से तभी वहाँ पे मुझे लग गया था कुछ तो गड़बड़ है। तब मुझे पहला डाउट हुआ था। डाउट हुआ था लेकिन लेकिन कन्फर्म मुझे कार में बैठते टाइम हुआ। बट मैं तब भी नहीं बोला, मैंने सोचा कुछ भी हो सकता है। सी प्राइम में कुछ भी हो सकता है। बट यस, इस बार हमने पहले ही गेस कर लिया था और हम बट कह सकते हैं कि मानना पड़ेगा यार, बहुत ही कमाल की कॉन्सेप्ट सच में बहुत अच्छा था। और साथ में जो एक्टिंग की है इमरान अब्बास और हिबा बुखारी, नेक्स्ट लेवल। जब वो उनके घर पहुंच गए थे और उन्होंने बोला था कि तुम्हारी गलती नहीं थी, तो मुझे लगा कि किसी और का इनसे एक्सीडेंट हो गया है
और शायद वो अब वो परेशान है उस बात को लेके किसी और की जान चली गई उनकी वजह से। लेकिन फिर धीरे धीरे जब इमरान अब्बास को दिखाया, जैसे उनसे बात करते हुए वो रूह की ही बात करी थी कि हमें तुमने खुद चाय बनाई, तो शक यकीन में बदल सकता है। हाँ बहुत ज़्यादा। हाँ तुमने खुद चाय बनाई, जाना ही नहीं था तो वीज़ा क्यों लगवाया, वो वाला सीन। मतलब बार बार हिंट दे रहे थे कि ये मैटर क्या है। तो बहुत अमेजिंग लगा मुझे ये। और एक चीज़ मुझे लगी कि जो उन्होंने बताया जो डॉक्टर के पास गई थी वो, कि इमेजिनेशन है, तो ऑब्वियसली इमेजिनेशन में ही जो रूह होती है वो कपड़े बदल सकती है ऑब्वियसली। हकीकत में तो पता नहीं ना किसी को भी कि रूह कपड़े बदल सकती है, क्योंकि ज़्यादा से इमरान अब्बास के कपड़े बदले तो वो डेफिनेटली इमेजिनेशन था उनका, जो कि इस इमेजिनेशन के बारे में कई मूवीज़ में बताया है। तो ये हम मान सकते हैं इस चीज़ को कि ये सच में एक अलग कॉन्सेप्ट था और बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया गया है। प्रेजेंटेशन तो बहुत ही कमाल, बहुत ही ब्रिलियंटली इसे प्रेजेंट किया गया और उसकी स्टोरी भी कमाल। तो मैं कह सकता हूँ नाउ अब हम इनकी लगभग 3 सीरीज देख चुके हैं, 3 शॉर्ट्स फिल्म्स देख चुके हैं, और अब मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक सी क्राइम की सीरीज या शॉर्ट फिल्म्स नहीं देखी है, उनके चैनल को नहीं देखा है, तो जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में उनके शॉर्ट मूवीज़ को देखिए, आप बिल्कुल इन्जॉय करेंगे। और आपने देखा होगा काफ़ी छोटी विंडो रखी थी हमने, तो आपको फुल स्क्रीन पे देखने में ना ये और मज़ा आएगा। तो फुल स्क्रीन पे जाकर एक बार ज़रूर देखना। वैसे तो आप देख कर ही आए होंगे क्योंकि हमारे पास जैसे ही ये शॉर्ट फिल्म आउट हुई इतनी डिमांड आने लगी। लेकिन जो देख के नहीं आए उनके लिए, उनके लिए कह रहा हूँ जाके एक बार देखो फुल स्क्रीन में, अलग ही फील आएगी यार, अलग ही। दोनों की एक्टिंग इतनी रियल थी कि ले गए थे किसी और दुनिया में, बिल्कुल अलग। और बार बार आपको कन्फ्यूज भी करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, पहले तो यकीन दिलाएंगे कि वही है, फिर कंफ्यूज कर देंगे नहीं वो नहीं है, ये तो साथ में ही है, फिर लाएंगे फिर कंफ्यूज कर देंगे। तो इनके प्रोड्यूसर जो थे सी मीन नवीद थे, काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने। इमरान अब्बास ने एक सीन में सिंगिंग की थी, वो भी बहुत अच्छी थी यार। और इमरान अब्बास सच में भी बहुत अच्छे सिंगर है, उनकी हमने नात पे भी रिएक्शन दिया है, बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं वो और बहुत अच्छा लगता है उस सीन के। सो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताओ, अच्छा लगे तो करना लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।